हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा इंडियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याज़ा। ये खाने में और देखने में दोनों में ही बहुत लाजवाब लगती है। आप इसे कोई भी पार्टी या ऐसे भी इच्छा करे तो आप बनाकर इसे सर्व कर सकती हैं। और इसे आप पराठा, रोटी, चावल दाल के साथ तो और ही लाजवाब लगती है खाने में। तो एक बार ज़रूर बनाकर खाएँ और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको हमारी वीडियो। आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं भिंडी दो प्याज़ा। तो आज हम फिर एक नए रेसिपी के साथ आप लोग से मिलने आए हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याज़ा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो हमने 400 ग्राम भिंडी लिया है, इसे इस तरह से काट लेंगे। इसे धोकर साफ करके इसे सूखे कपड़े से पोंछकर या सुखाकर इसको इस तरह से काट लीजिए। और प्याज हमने बारीक नहीं लिया है, इसलिए पाँच से छः प्याज लिए हैं हमने। इस तरह से निकाल लिए हैं चार भाग करके प्याज का। और दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, उसे भी हम इसका जो रस होता है, पल्प होता है, उसे हम निकाल कर इस तरह से काट लिए हैं। और हमने पेस्ट नहीं लिया है, आप अगर चाहें तो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना कर ले सकती हैं। हरी मिर्च अगर नहीं चाहिए तो नहीं मत डालिए, कोई बात नहीं है। तो हमने चार कलियाँ लहसुन की इस तरह से लम्बा लम्बा बारीक काट लिया है। और चार हरी मिर्च लिया है फ़ोरन के लिए, थोड़ा सा काली वाली सरसों और जीरा, सरसों का ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और कुछ सूखा मसाला लेंगे जो हम आगे दिखाएंगे। तो चलिए, हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम सरसों का ऑयल डालते हैं। तो हमने चार चम्मच इसमें बड़े चम्मच से तेल डाल दिया है, इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। इसमें हाफ टी स्पून सरसों है, हाफ टी स्पून जीरा है और दो सूखी मिर्च। इसका हम तड़का लगाएंगे। उसके बाद इसमें लहसुन, उसके बाद हम भिंडी डालेंगे। आप अगर चाहें इसको चला लेते हैं, आप अगर चाहें तो भिंडी और प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर सकती हैं, लेकिन हम एक साथ ही बना रहे हैं। इस तरह से भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अब प्याज डाल देंगे, इसे भी हम मिला लेते हैं। इसके बाद हम टमाटर, अभी हम इसमें नमक वमक नहीं ऐड करेंगे, अभी से हम 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे, भून लेंगे। हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें तो चलिए देख मसाला ऐड करेंगे। इसे हमने चलाते हुए 5 मिनट हो गया है, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में बन जाता है। और आप अगर चाहें तो प्याज, दो प्याज खड़ा ले लीजिए और दो तीन प्याज इस तरह से काट लीजिए। भिंडी दो प्याज आए तो प्याज तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा ही, तो इसमें आधा टी स्पून हल्दी पाउडर और तीखा अपने हिसाब से आधा टी लाल मिर्च पाउडर
और आधा टीस्पून धनिया, और आधा टीस्पून किचन की मसाला, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। अभी तो हम चला लेते हैं। अभी हमने फ्लेम को हाई किया था, इसे थोड़ा सा कम कर दे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मीडियम पर ही रखना है, और चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारा भिंडी दो प्याज़ा बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत झटपट बनने वाली है, बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। इसे आप कभी भी पार्टी वार्टी हो उसमें भी आप बनाकर खिला सकती हैं, सर्व कर सकती हैं। बहुत देखने में लाजवाब लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट है। तो फिर हम आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नए रेसिपी के साथ। तब तक घर में रहें, स्वस्थ।